हेलो व्यूअर्स, गला खराब होने के क्या हैं कारण, लक्षण और इलाज। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गले खराब से संबंधित हर समस्या दूर हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मौसम का बदलना सामान्य चीज है। इसका असर प्रकृति के साथ साथ लोगों पर भी पड़ता है। मौसम बदलने पर लोगों में बीमारियों के होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। इनमें गले में खराश भी शामिल है, जिसकी शुरुआत गले में दर्द के साथ होती है। कुछ समय के बाद यह गंभीर समस्या बन जाती है। इसी कारण समझदारी इसी में है कि शुरुआत में ही गले में खराश का इलाज किया जाए, ताकि इसका लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े। आमतौर पर लोग गले की खराश को गंभीरता से नहीं लेते कि इसी कारण वे आसानी से गले में खराश का शिकार बन जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि लोगों को गले में खराश के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि उनके मन में गले में खराश से जुड़ी कोई गलतफहमी ना रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबकी गले में खराश से जुड़ी सभी तरह की गलतफहमियों को दूर करने में यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त साबित होगी। गला खराब होने के कारण। गले में खराश की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर एक, जुखाम होना। गले में खराश का सामान्य कारण जुखाम होना है। अक्सर लोग जुखाम के लिए कोई इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि वे इसे सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर समस्या का दस्तक हो सकती है। इसी कारण किसी भी शख्स को जुखाम का इलाज सही तरीके से कराना चाहिए, ताकि उसे गले में खराश ना हो। नंबर दो, फ्लू होना। गले में खराश होने की संभावना उन लोगों में अधिक होती है जो किसी तरह के फ्लू से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को फ्लू का पूरा इलाज कराना चाहिए, ताकि उसे गले में खराश होने की संभावना कम रहे। नंबर तीन, इन्फेक्शन होना। अक्सर गले में खराश इन्फेक्शन का नतीजा भी हो सकता है। हालांकि इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करके संभव है, लेकिन फिर भी लोगों को खुद को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी सेहत ज़्यादा खराब ना हो। एलर्जी होना। गले की खराश एलर्जी से पीड़ित लोगों को भी हो सकती है। अतः ऐसे लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसे कोई गंभीर बीमारी ना हो। स्मॉग होना। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आज के दौर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ऐसे में इससे लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें गले में खराश भी शामिल है, जो कुछ समय के बाद गंभीर रूप ले सकती है। गले में खराश होने के लक्षण। गले में खराश ऐसी समस्या है जिसके काफ़ी साधारण लक्षण होते हैं। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को ये पांच लक्षण नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये गले में खराश के संकेत हो सकते हैं। गले में खिंचाव होना। गले में खराश का प्रमुख लक्षण गले में खिंचाव होना है। आमतौर पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह गले में खराश का रूप ले सकती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, गले में जलन होना। यदि किसी शख्स को गले में जलन होती है, तो उसे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गले में खराश का लक्षण हो सकता है। नंबर तीन, मुंह में अंदरूनी हिस्से में लाल धब्बे होना। अक्सर गले में खराश की शुरुआत मुंह के अंदरूनी हिस्से में लाल धब्बे के साथ होती है। आमतौर पर लोग इसे मुंह के छाले समझने की गलती करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि यह गले में खराश का संकेत हो सकती है। नंबर चार, हल्की खांसी होना। कई बार गले में खराश के लक्षण हल्की खांसी के रूप में भी सामने आते हैं। इसी कारण किसी भी शख्स को हल्की खांसी को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी जांच डॉक्टर से करवानी चाहिए। नंबर पाँच, गले की ग्रंथि में सूजन होना। गले में खराश के कुछ मामले सामने आते हैं, जिनमें इसकी शुरुआती गले की ग्रंथि की सूजन के साथ होती है। यदि किसी व्यक्ति को गले की ग्रंथि में सूजन की शिकायत है, तो उसे इसका पूरा इलाज करना चाहिए, ताकि उसे गले में खराश की समस्या ना हो। गला खराब होने से बचने के घरेलू उपाय। नंबर एक, लहसुन। लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करके गले को आराम पहुंचाता है। लहसुन में एलिसिन नाम का यौगिक मौजूद होता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक गुच्छी लहसुन
और एक चम्मच शहद या ओलिव ऑयल। खराब गले के लिए लहसुन का सबसे बेहतरीन उपयोग है। इसे सीधा अपने मुंह में रखकर चबाना या चूसना। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 मिनट के लिए करें। यह हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो इसे आसान बनाने के लिए लहसुन को पीसकर उसमें एक चम्मच शहद या एक चम्मच ओलिव ऑयल मिला लें। लहसुन को कब खाएं? इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार अजमाएं, जब तक आपके गले से जुड़ी समस्या पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। नंबर 2, अदरक। अदरक में कई गुण पाए जाते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल। इसकी मदद से बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो रही गले संबंधी समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक अध्ययन में पाया गया है कि अदरक का रस बैक्टीरिया के कारण हुए संक्रमण को कम करने में मदद करता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 गिलास पानी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस। अदरक को लेने का तरीका। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पानी के साथ एक सॉस पैन पर गर्म होने दें। स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस और शहद मिला दें। ध्यान रहे, अदरक के इस मिश्रण का दिन में 3 बार सेवन करें। अदरक का इस्तेमाल कैसे करना है? अदरक के इस मिश्रण का दिन में 3 बार सेवन किया जा सकता है। नंबर 3, शहद। गला खराब होने के कारण गले में दर्द, जलन व सूजन और सूखापन महसूस हो सकता है। शहद इन सभी समस्याओं को खत्म करके गले में चिकनाई और आराम प्रदान करती है। शहद में एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाली गले की खराश, सूजन, दर्द और खांसी से लड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच शहद। शहद को लेने का तरीका। वैसे तो गला खराब होने पर शहद का सीधा सेवन सबसे कारगर माना जाता है, लेकिन चाहे तो इसे चाय, सूप या गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। शहद का इस्तेमाल कब करें? शहद को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। दिन में 2 चम्मच शहद खाने की सलाह दी जाती है। अजवाइन। खाना बनाने के साथ साथ अजवाइन का इस्तेमाल कई घरेलू उपचारों के लिए भी किया जाता है। यह खांसी, गले की खराश, सूजन और कोल्ड जैसी समस्या के इलाज का एक बेहतरीन उपाय है। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो खराब गले संबंधी लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच सूखी हुई अजवाइन और 1 कप पानी। अजवाइन को लेने का तरीका। अजवाइन को गर्म पानी में उबाल लें। इसे छान कर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। अजवाइन को कब लें? अजवाइन के इस नुस्खे को गले की समस्या के लिए बेहद कारगर माना जाता है। इसके 3 दिन के सेवन से ही गला खराब होने के लक्षण खत्म हो जाते हैं। इसको दिन में 1 से अधिक बार नहीं लेना चाहिए। नमक के गरारे करना। नमक के पानी से गरारे करने पर गले की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। नमक गले में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करके ऊतकों से पानी निकालता है, जिससे गले की खराश, सूजन और दर्द की समस्या ठीक होने लगती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच नमक और 1 कप गर्म पानी। गरारे करने का तरीका। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक को मिला लें। अब इससे 30 सेकंड तक अच्छे से गरारे करें। चाहे तो पानी को आप निगल भी सकते हैं। गरारे कब करें? इस उपाय को हर 1 घंटे में 1 बार करने की सलाह दी जाती है। यदि आपका गला खराब हो गया है या इससे संबंधित किसी प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो इस दौरान दूध का सेवन न करें। दूध बलगम को बढ़ाता है, जिससे गला खराब होने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यूअर्स, आज मैंने आपको बताया है गला खराब होने के कारण, लक्षण और इलाज। कल मैं अपने वीडियो में बताऊंगी गले में खराश होने पर किन चीजों से परहेज करना चाहिए, और गला खराब होने पर किस तरह का भोजन करें, और गले में खराश संबंधी पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए कल वाली वीडियो को जरूर देखें। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है, तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।